इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में, जहां पे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है और 10 मीटर मिक्स टीम इवेंट में भारत की स्टार शूटर हिना सिद्धू ने जीतू राय के साथ मिलकर इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और हिना के सक्सेस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं यहाँ पर हिना सिद्धू, और साथ ही यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनके कोच कह लीजिए, मेंटोर कह लीजिए, उनके हस्बैंड रौनक पंडित। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत और इंडिया टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। सबसे पहले हिना आपसे जानना चाहूंगी, मिक्स टीम इवेंट है, कहा जा रहा था ट्रायल है ये, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में डेब्यू होगा, लेकिन आप लोग 3 गोल्ड जीत चुके हैं इस पे, चाहे 2 ट्रायल थे लेकिन यहाँ पे भी आप लोगों ने गोल्ड जीता है। तो जीतू के साथ जो आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, टीम इवेंट है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? जीतू के साथ अभी ये मेरे ये तीसरा मैच है, तो आई थिंक अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है, आदत हो गई है अभी जीतू के साथ खेलने की, स्पेशली बिकॉज वो प्रेशर में अच्छा हैंडल कर लेते हैं मैच को। तो और दूसरा, हम लोग साथ में ट्रेनिंग भी करते हैं, तो मिक्स टीम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ती है हम लोग को, अदर देन हम लोग का इंडिविजुअल जो इवेंट है उसको छोड़ के इसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग में, मैचेस में, अभी उनके साथ बार बार शूटिंग करके मेरे को समझ भी आने लगी है उनकी टेक्निक की, उनकी रिदम की, तो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। बिल्कुल, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है दोनों के बीच। और रौनक, एज अ कोच आप कैसे देखते हैं इस मिक्स टीम इवेंट को, क्योंकि अगर 2020 ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में ये इवेंट होगा तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी होपफुल हो रहे हैं, जिस तरीके से लगातार दोनों के मेडल्स आ रहे हैं, इसे देखते हुए हम 2020 में भी यही उम्मीद कर सकते हैं? डेफिनेटली, आप अगर देखिए जीतू और हिना दोनों का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, अगर वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो 90% चांस होता है कि वो मेडल लेके ही बाहर आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेशर में अपना लेवल ऑफ गेम या तो मेंटेन रख सकते हैं या इम्प्रूव भी करते हैं। तो ये इवेंट हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बिकॉज अंडर प्रेशर जहाँ लोगों का परफॉर्मेंस डाउन होता है, हमारे पास ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जो अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये होगी कि इन दोनों की कोऑर्डिनेशन एज पर न्यू रूल्स, बिकॉज हमने जो ये 3 इवेंट खेले, तीनों में गोल्ड लिया, पर तीनों इवेंट में रूल्स अलग अलग थे, बिकॉज ISSF अभी भी वो रूल्स को फिक्स करने में लगी हुई है। तो आई थिंक ये कोच की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो टेंशन खिलाड़ी पे ना आए कि मुझे रूल्स के हिसाब से कैसे अपने आप को ढालना है। तो एज अ कोच हम पीछे बैठ के हिना की शूटिंग स्टाइल देखते हैं, जीतू की शूटिंग स्टाइल देखते हैं, उसके बाद दोनों से डिस्कस करके हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, पहले दोनों खिलाड़ी को वो समझा के उनको कॉन्फिडेंस में लेके देन आगे ट्रेनिंग स्टार्ट की जाती है। और शूटिंग जैसे फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल फिटनेस का गेम है शूटिंग, तो इसके लिए आपको मेंटली बहुत फिट रहना पड़ता होगा, बहुत आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करती हैं, योगा, मेडिटेशन या फिर कुछ और सीक्रेट है आपका जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, हम लोग एज़ फार एज़ पॉसिबल जो एक्चुअल मैच सिनेरियोज़ हैं हम उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि योगा मेडिटेशन बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठ के कोई भी कर सकता है, बट एक्चुअली स्ट्रेस के अंदर आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है, हमको वो चाहिए, हमको कोई पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, हमको कुछ रिलैक्सेशन के लिए ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि परफॉर्मेंस स्ट्रेस के अंदर कैसे करना है। तो जब तक आप ट्रेनिंग में स्ट्रेस एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, किस चीज़ पे ध्यान देना है, कैसे मैच को निकालना है। तो जहाँ तक हो सके हम एक्चुअल सिनेरियोस जो मैच में होते हैं उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं ट्रेनिंग में। हिना, आप एक ऐसी प्लेयर रही हैं जो बहुत ही वोकल रही हैं, किसी भी इशू के बारे में आप बोलती हैं, चाहे प्रैक्टिस से रिलेटेड हो या शूटिंग में लेकर कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन प्लेयर्स ज़्यादा मीडिया में नहीं बोलना चाहते हैं किसी भी इशू को लेकर, अगर आपके पास्ट में भी जाएं तो क्या लगता है एक प्लेयर का इस चीज़ से एक प्लेयर को कितना इफेक्ट होता है? सी, ये हर एक का अपनी पर्सनालिटी होती है, तो अगर कोई नेचुरली थोड़ा शांत और चुप रहने वाला आदमी है जिसको अपने ही दुनिया में रह के अच्छा लगता है, और उसको हम सडनली बोल दें कि नहीं आप हर एक चीज़ के ऊपर ओपिनियन दो या ये करो, तो दैट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर हिम। एंड पर जिसको जो चीज़ गलत लग रही है, जो उसको इफ़ेक्ट कर रही है, उसके फ्यूचर को इफ़ेक्ट करेगी, तो आई थिंक बोलना चाहिए। एंड हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज सीनियर एथलीट्स, सो दैट वी स्पीक अप, अगली जनरेशन को ये प्रॉब्लम ना देखनी पड़े या हमारे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो फॉर वॉट एवर रीज़न।
तो आई थिंक यू शुड ऑलवेज स्पीक अप, बट स्पीक अप इन अ सिविल वे, पुट अक्रॉस योर पॉइंट्स इन अ सिविल वे. एवरीबडी इज़ हियर टू हेल्प, नोबडी इज़ एन एनिमी. तो आप अगर तरीके से अपना पॉइंट रखते हो तो ऑफ़ कोर्स सब यहाँ पे हम लोग की काम आसान करने के लिए ही है.